जैन साथियों, इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितिन गोस्वामी आप सभी का नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज का नया सेशन क्या है साथियों? आज का पोटेशन, यदि आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है तो आप अज्ञानता को ट्राई कर लीजिए। देखो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से इसकी PDF मिलती रहेगी। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का। देखो साथियों, ये कहीं ना कहीं किसी किताब से या PYQ क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिक्स करके मैं आपको लाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आने वाले जितने भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो उसमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे 100% बनना चाहिए साथियों। तो सभी तरीके के क्वेश्चन सिक्वेंस में लाता हूँ, तो बस आपको देखना है क्वेश्चन और लगाना है। देखो इस क्वेश्चन को साथियों अपन किस तरीके से करेंगे। एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85%, 12% है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो, नए मिश्रण तांबे का प्रतिशत। देखो पहले बात करते हैं अपन किसकी, टिन। 80% तांबा है तो शेष टिन है, तो नए तांबे पूछा है। तो देखो पहले टिन, अगर यहां टिन है साथियों तो यहां टिन, तो बीच में टिन। 80% तांबा तो शेष टिन कितना, 20%। दूसरी मिश्र धातु 85% तांबा, टिन कितना, 12%। और मिक्सचर में कितना दिया अपना साथियों, 15%। तो 15 में से 12 गया तो 3, इधर कितना, 5 साथियों। इतना बताइए समझ में आ गया आपको। बात करते हैं अब तांबा, तांबा ज्ञात करना है। तो देखो तांबा, इधर भी तांबा, बीच में तांबा, तांबा बताओ 80% और इधर कितना है, 85%, और बीच में आपको तांबा निकालना है साथियों, बीच में आपको तांबा निकालना है। तो कैसे निकालना देखो साथियों, पहले इतना आपको समझ में आ गया, इस तरीके से सीक्वेंस बना ली। आप डिफरेंस देखना इन दोनों का, 80 85 में कितने का डिफरेंस, 5 का। ये कितना रेशियो, 3 और 5, 3 और 5 बराबर, 3 और 5 टोटल 8, 8 के बराबर साथियों 5 दिया तो 1 के बराबर कितना होगा, 8, 8 के बराबर 5 दिया साथियों तो 1 के बराबर कितना होगा, 5/8, 5/8। अब बताइए साथियों, जैसे मैंने पहला निकाला तो पहले का गुणा करेंगे 5/8, दूसरे का गुणा करेंगे 5/8, 5 3 15/8, 5 25/8, 8 का भाग दे लो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 सही 7/8, 8 3 24, 1 सही। तो कितना रखें इधर के घटाने पर साथियों, ये बचिया तो आपको हो सकता 83, पहले ही रखे देखेंगे 83 सही 1/8, इसमें से इसको घटाएंगे तो साथियों वही बचेगा 1 सही 7/8, इधर घटाएंगे तो कितना, 3 सही 1/8। करेक्ट आंसर आपका कौन सा आया साथियों, पहला। ये सवाल आया हो कई बच्चन से गलत हुआ, अगर आपको ये क्वेश्चन कम समझ में आया तो इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं साथियों। देखो एक मिश्र धातु में 90% तांबा है, शेष 10% टिन है, क्या ज्ञात करना है, तांबा। तो टिन लिख लिया अपन ने पहले, टिन इधर भी टिन, कितना परसेंट है, 10%, यहां कितना, 4%, बीच में कितना साथियों, मिश्र 9% टिन, घटाया 9 में से 4 गए 5, 10 में से 9 गए 1, यहां तक बताइए साथियों समझ में आया। बात करते हैं तांबा, तांबा, तांबा 90 93, तो बीच में तांबा निकालना साथियों। तो 90 और 93 में कितने का डिफरेंस, 3 का, यहाँ कितने का डिफरेंस, 5 और 1 का, 5 और 1 6, 6 के बराबर 3 दिया तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 0.5, 0.5 का गुणा कर देंगे 5 25, और इधर किया 0.5 का 1 में, तो 0.5। आपको सर कोई डाउट है तो आप भाई कन्फ्यूजन हो तो बता सकते हो। देखो
एक छह, छह के बराबर तीन है तो एक के बराबर आधा, आधा का मतलब 0.5, 0.5 का गुणा करेंगे 5 में, पचम 25, 2.5, 0.5 का एक में करेंगे 0.5, तो साथियों इधर आया देखो 2.5 और 0.5, तो ये कितना रखेंगे ऑप्शन से करना है इनको, तो कितना 90.5, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो 0.5 बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.5। बताइए कोई डाउट? एक जैसे क्वेश्चन मैंने करवाया साथियों, इससे पहले देखो एक क्वेश्चन, अगर ये कम समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप दो करोगे तो समझ में आएगा। देखो अब तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग कीमत वाले दो टाइप का दूध 2:3 है मिलाए गए, पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर, दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है, और मिश्रण, और मिश्रण दूध की कीमत 15 रुपए और मिश्रण की औसत कीमत बताइए साथियों। तो देखो पहली किस्म की दूध की कीमत कितनी है साथियों, 10 रुपए, दूसरे की 15, बीच की आपको निकालना है, नीचे का रेशियो, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 5 का, 5 के बराबर साथियों कितना अनुपात दिया 2:3, 3 और 2 5, 5 के बराबर 5 दिया तो 1 के बराबर कितना आया 1, 1 का गुणा करेंगे इसमें, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा वही 2 और 3। तो साथियों यहाँ 2 और 3 लिखा तो आप बिना सोचे समझे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होगी, इसमें क्या रखा जाए, घटाने पर 2 बच्चे इधर घटाने तो 13, 15 में से 13 का 2 बच्चे, 13 में से 10 का तो कितना बचेगा साथियों 3। तो बताइए करेक्ट आंसर आया कि नहीं, सिक्वेंस से अगर सेशन को देख रहे हो साथियों तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों की क्लास में औसत वजन 30 किलो है, 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 किलो है, देखो वही 30 किलो 15 किलो, बीच वाला आपको पूछा है, ये तो मिक्सचर एवरेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे मगर मिक्सचर पड़ रहा है तो मिक्सचर के अकॉर्डिंग, 30 में 15 का कितना बचा 15। सर शुरू में 40 छात्र हैं 20 छात्र हैं, तो इनको रेशियो से बना लो पहले, 40 छात्र और 20 छात्र, तो बनाया तो कितना रेशियो बना 2:1, तो साथियों 2:1 टोटल 3, 3 बराबर 15 दिया साथियों, तो 1 बराबर कितना आया 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, साथियों यहाँ 10, यहाँ कितना 5, 5। बात करते हैं साथियों इधर क्या रखा जाए कि घटाने पर 10 बजे 25, क्यों 25 में 10 जाए 15 जाएंगे 10 बचेगा, 30 में 25 से 5 बचे, बताइए कोई डाउट? इसी तरीके से सिक्वेंस से आप जब 1, 2, 3 है तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल में 25 किलोग्राम घटिया चावल की, चावल के साथ मिला जाए, बढ़िया घटिया का कीमत दी गई कितनी दी, 1:18, 1 कितनी दी साथियों 12, आपसे बीच वाला पूछा है, आपसे बीच वाला पूछा 18 रुपये प्रति किलो और 12 रुपये प्रति किलो, बीच वाला पूछा है तो डिफरेंस 18 और 12 में कितने का डिफरेंस है साथियों 6 का, रेशियो कितना 5 किलोग्राम 25, तो 5 25 का रेशियो बना लो, 5 एकम 5 पचम 25, साथियों 1 अनुपात कितना 5, 5 और 1 6, 6 के बराबर 6 तो 1 के बराबर साथियों 1 1 5, तो इधर साथियों कितना रखा 1 और 5, कितना रखा जाए साथियों कि घटाने पर 1 और 5 बचे, तो आप खुद बताइए यहाँ 13, 13 से 12 जाएगा तभी तो 1 बचेगा, 18 से 13 जाएंगे कितना बचेगा 5, कोई डाउट? अगर आप सिक्वेंस से हर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा जो आपको समझ में ना आया हो साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो बड़े शिद्दत से अगर आप मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा साथियों जो आपसे ना निकले। भुवनेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है, तो औसत चाल बताओ। देखो इसे एवरेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बट आपको अभी अपने एवरेज पढ़ रहे हैं इसलिए मिक्सचर एलिगेशन तो मिक्सचर से करेंगे, 25 40 किलोमीटर प्रति घंटे, बीच वाला आपको निकालना है, कितने का डिफरेंस 15 का, कितने का 15 का साथियों, कितना दिया 30
और 20, 0 से 0 कट गया, 3 और 2, तीनों दो कितना साथियों 5, 5 के बराबर 15, तो 1 के बराबर कितना आया 5, सॉरी 3, गुणा कर देंगे 3 का, इसमें भी 3 का साथियों, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, साथियों यहाँ 9 या 6, क्या रखा जाए साथियों आप खुद बताइए कि घटाने पर 9 बचे और इधर जोड़ने पर 31, देखो साथियों 40 में 31 का 9 बचे, 31 में 25 का 6 बचे, कोई डाउट? तो आप अपने मन से खुद बना सकते हो कि सवाल में आपकी जो संख्या है वो कौन सी आएगी या क्या रखना है, ऑप्शन से, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, बस आपने अगर एक बार इस सवालों की प्रैक्टिस की है साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, उसने कुछ दूरी कार से तय की और कुछ रिक्शे से, कार और रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, कार रिक्शा द्वारा तय ये दूरी का अनुपात ज्ञात करो। देखो बीस किलोमीटर प्रति घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटे, एक सौ पचास में 10 घंटे का भाग देंगे तो चाल कितनी आ जाएगी 15, क्योंकि ये दूरी है ये समय है, जब दूरी में समय का भाग देंगे चाल आ गई कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 में से 12 गया तो 3, और 15 20 में 15 गया तो कितने बचे 5, तो ये जो आते हैं वो समय आता है हमेशा, क्या आते हैं समय। अब तो समय का अगर मैं चाल में गुणा कर दूं तो दूरी आ जाएगी 20 30 कितना 60, 12 में भी 5 का गुणा कर दूं कितना आ जाएगी दूरी 60, 60 से 60 कट गया तो रेशियो दूरी का तो पूछ रहा है आपसे, तो 1:1 आपका करेक्ट क्या है आंसर, आपसे किसका पूछा दूरी का, कोई डाउट? बात करती है नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, देखो एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध है, पहले बर्तन में दूध 80% है, दूसरे में 60% है, पहले में 80% दूसरे में 60% साथियों, आपसे पिक्चर पूछ रहा बीच वाला, तो बताइए इधर बात हो रही कितना 28 लीटर 32, तो 80 और 60 में कितने का डिफरेंस आती हो 20 का, कितना 28 और 32 का रेशियो बनाना साथियों, कितने से बना 4 से, 4 7 28 4 8 32 साथियों, 7 और 8, 7 8 कितना 15, 15 के बराबर साथियों 20 दिया है, 5 3 15, 5 को 20, 1 बराबर 4/3 साथियों कितना आएगा 4/3, इधर बात करेंगे साथियों जब गुणा करेंगे अपन 4/3, इसमें भी 4/3, 7 चौक 28/3, 8 चौक 32/3, अब क्या रखा जाए साथियों, तो इसका भी भाग दे के लिख सकते हैं अपन, 3 9 27, 9 सही 1/3 लिख सकते हैं अपन, चाहे 28/3 कह लो इधर, 32/2 कह लो, 3 कह लो इधर, भाग दे लो तो कितना 9 सही 1/3 भी कह सकते हैं, इसका भाग देंगे तो कितना 10 सही 2/3 कह सकते हैं साथियों, क्या रखा जाए, तो आप पहले रखे देख लो 69 सही 1/3, घटाएंगे तो आपका यही बचेगा, कोई डाउट? सवालों को सिर्फ देखना साथियों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपको समझ में ना आया हो, पूरा मिक्सचर एलिगेशन से सवाल बनते जा रहे हैं। 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है, अगर हर लड़कियों को 90 पैसे, हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या बताइए, एक को 90 पैसे, एक को 65 पैसे, इकतालीस रुपये पैसे में बदलें तो 4100/50, 0 से 0, 5 8 40, 5 2 10, 82 पैसे, इधर 8, इधर 10, 5 15,
दो 17, 17 और 8 कितना साथियों 25, 25 को कितने छात्रों में बांटना 50, तो एक कॉमन कितना आया साथियों 2, कितना आया 2। आपको पता हो जिसका पूछे लड़का लड़कियों, पहले किसका बोला लड़का तो ये बॉय, लड़की गर्ल, पहले का पूछा तो 17 में 2 का गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, लड़कियों का पूछे तो इसमें गुणा कर दो, 8 दूनी 16। कोई डाउट? बात करते हैं, अगर आपको लगता है सर एक कंफ्यूजन है तो एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी तरीके से। एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, उसने कुछ बस 9% लाभ पर, शेष बस 36% लाभ पर बेची, कुल मिलाकर उसे 70% का लाभ हुआ, तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या बताइए। नौ परसेंट लाभ 36% लाभ 70% लाभ घटा दो तो कितना बचेगा साथियों, 6 10 6 16 1 17 17 3 और 6 9 9 10 19। इधर कितना बचा 7 1 8, कितना बचा साथियों 8 8 8 16 1 17, यही बचा साथियों। क्या पूछो 19 और 8 कितना 20 और 27, 27 के बराबर साथियों कितनी दी 108, तो कितनी बार गया 4 बार। आपसे बताए साथियों किसकी पूछा 36% का 8 है, 8 चौको 32। कोई डाउट बताइए साथियों? बस आप अगर सिक्वेंस सेशन को देखोगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगे जो समझ में ना आया हो साथियों। क्वेश्चन देखो आपको क्या कहा जा रहा है, 36.90 रुपए का कोई धन 90 सिक्कों से बना है, जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे। देखो मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन और मिल गया, 20 पैसे 50 पैसे, 36.90 रुपये को 90 पैसों में बांटना है साथियों, तो रुपये को पैसे में बदलेंगे अपन, 100 का गुणा करेंगे बटे में 100, 10 लाख के 2 जीरो से 2 जीरो 9 जीरो से 0 9 चौको 36 9 एकम 9, कितने पैसे आ गए 41 पैसे। इधर कितना बचेगा 9, इधर कितना बचा साथियों 21, काट दो 3 3 9 30 7 21 7 3 10 10 का मान साथियों कितने सिक्कों में बांटना 90, तो कितना आया 1 का 9। किसका पूछा 20 पैसे, तो 20 पैसे कितना 9 में गुणा करेंगे 9 3 27। कोई डाउट साथियों? बस सिक्वेंस से आप सेशन देखते रहोगे तो आपको कोई डाउट नहीं लगेगा साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक फंडा देखो, सिर कितने अपने 180, तो 180 में 2 का गुणा, एक बार 2 पैर का, एक 4 पैर की बात करते हैं तो 4 का गुणा, और पैर बीच में तो 18 2 36 360 8 चौको 8 चौको 32 3 4 3 7 8 चौको 72 0, बीच में पैर, पैर कितना 448। कोई डाउट साथियों यहाँ तक? घटा देगी अपन इधर 720 में से 448 जाएंगे साथियों, 2 के माने 12 12 में से 5 के 7, यहाँ 5 272, इधर कितना बचेगा 272। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इधर घटाएंगे, 448 में 360 घटाए 8, 4 के माने 14 14 में से 6 गए कितना बचा 8, इधर 88। ठीक है, काट देंगे इधर 8 से, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 22, कितने बच्चे का नहीं कट रहा है, 8 से काट, 8 3 24 3, हाँ 8 3 24 3 8 चौक 32, इधर काट 8 से, कट गया कि नहीं, कितना दे 4 1 5 मतलब 45 45 का मान 180,
कितनी बार गया? चार बार। आपसे किसका पूछा? हिरणों की संख्या, हिरण की संख्या, तो हिरण शुरुआत में दिए आपने, चार कौन चार चौको 16, कितना बचा? एक चौथी बारह एक 13, 136। मगर आपको लगता है सर ये कैलकुलेशन का ऐसे कुछ सवालों में आपको बड़ा दिख रहा होगा सर कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, तो एक आपको शॉर्टकट सिखा दे तो बहुत अच्छा, जो आप कभी नहीं भूलोगे इस सवालों में जानवर वाले में। देखो जब भी सिर कहें, सिर कितने? 180। दो जानवर किसकी बात हो रही? हिरण, और किसकी हो रही? बदक। तो बदक दो होते हैं, दो से हिरण कितने ज्यादा पैर जाना है? दो। जितने पैर जाना उसे एक्स्ट्रा लिखना है बस साथियों। अब बताओ सेम दो दो एक जैसे, एक जैसे तो दो का गुणा करेंगे 18 × 36 360, तो बस घटा दो 8 × 4 = 14 = 8 = 88। तो 88 में ही भाग देना साथियों दो का एक्स्ट्रा, कितना? 44। तो ये 44 किसका आ गया साथियों? हिरण का। आपसे बदक का पूछा, जिसका पूछे ये चार एक्स्ट्रा जो किसका है? हिरण का। जिसका पूछे आप तो 180 में से 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 136। तो इनसे भी बताइए दोनों का निकला 44 और 136। ये मेथड सबसे बेस्ट है, सबसे सरल है, इसी का यूज करना आपको। एक बार नहीं आएगा, जब इस पे दो से चार सवाल इसी मेथड से करोगे तो आपको समझ में आएगा साथियों, कोई डाउट? तो ये तो पहला मिक्सचर एलिगेशन का टाइप से करवाया मैंने, ये सेकंड आपको शॉर्ट तरीके से करवाया साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 रुपए को 115 छात्रों में बांटना, प्रत्येक लड़की को लड़की से 50 पैसे कम मिलते हैं, हर लड़के को लड़की से दोगुनी, लड़के लड़की, तो लड़का 2x से लड़की x से, इससे कितने डिफरेंस? x x बराबर कितना दिया सर? कितना कम मिला है? 50। 50 दूनी कितना साथियों? 100। इधर कितना है? 50। कितने में बांट रहा है छात्रों में? 115। कितने छात्रों में बांट रहा है? 115 साथियों। तो बात वहीं आ गई अपनी, गुणा कर लो चाहे इधर ही लिख लो, 115 दो जीरो 5 25 दो 5 दो 7 5, बीच में साथियों कितना दिया है टोटल? 69 रुपये को 6900 में बांट देंगे तो 6900, बस घटा दो, बस घटा दो साथियों। अब घटाना कैलकुलेशन वैसे आप कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे तो मैं करके बता देता हूँ। 6900 में साथियों 5 7 5 0 घटाएंगे, 0 5 8 1 1150। इधर घटाया 11 500 में से 6900 घटाएंगे साथियों, 5 9 गए कितना बचा? 5 6 1 11 7 गए 4 4600, कितना बचेगा? 4600। देखो 0 से 0 कट गए, 5 से काटा साथियों 5 2 10 5 3 15, 5 से काटा 5 9 45 5 2 10, तो काट दिया 23 से 23 से कम 23, 23 94 92, तो 1:5 बराबर 4 और 1 5, 5 को कितने छात्रों में? 115, तो कितनी बार गया? 23 बार। साथ ही इधर लड़कियों का पूछा है तो लड़कियां दूसरे नंबर पे हैं, तो 23 चौको कितना साथियों? 92। लड़कों का पूछे तो एक में गुणा कर लेंगे तो करेक्ट आंसर आपका कितना? 92। बताइए कोई डाउट ऐसा लगाओ सर कि स्पीड से बताए सीक्वेंस से, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो हर एक क्वेश्चन की तो आपको हर क्वेश्चन फिक्स 1 से 2 मिनट ही लेंगे, और आपकी प्रैक्टिस से कम समय होता जाएगा कम से कम। तो आपको सिर्फ सबसे ज्यादा सेशन को देखकर प्रैक्टिस करना है, एक बार देख के हाँ मुझे आ गया, फिर अपनी पेन कॉपी लेकर आपको देखना, बिना देखे आप अपने स्टॉप वॉच चालू करके मैं कितने टाइम में इस सवाल को कर सकते हैं। देखो सवाल, तो जितने भी सवाल आपको बताए साथियों सिक्वेंस से देखो, मैंने आपको जितने भी सवाल कराए हैं एक एक सवाल एक पूरा मिक्सचर एलिगेशन से, ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा होगा जो आपको समझ में ना आए साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।